बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं किड्स वेरी फेवरेट पोटैटो क्रोनट्स। बच्चे बहुत शौक़ से बनाते भी हैं और खाते भी हैं, और जो नई बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जो कुकिंग सीखती हैं 13 से 14 या 15 साल की एज की जो टीनएजर्स हैं, वो भी ये बनाएं और हमें ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि उनके लिए कैसी लगी रेसिपी, कितनी आसान और कितनी डिफरेंट सी ये पोटैटो की रेसिपी थी। यहाँ पे 1 kg पोटैटो जो हैं वो हमने बॉईल कर लिए हैं, उनको मैश कर लिया है। अब उसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, वो उसके अंदर ऐड कर दी हैं। और साथ में यहाँ पे ये मेरे पास एक बड़ी प्याज जो है वो चॉप की हुई थी अच्छी तरह से, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच काली मिर्च का ऐड कर देंगे, और फिर हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ज़ीरा लेके तो उसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मसल के, हाथों की मदद से, तो उसको फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ज़ीरे को जब हम हाथ के साथ अच्छी तरह से मसल के ऐड करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और उसके साथ एक बड़ा प्यारा सा अरोमा भी, और अपने खाने में भी बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, आपको जितना नमक पसंद है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया है। अब हम क्योंकि सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च पहले यूज़ कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऑलरेडी ये मैश किए हुए हैं, अब बस हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर ये मेरे पास 2 बॉयल्ड एग पड़े हैं, ये फुल हार्ड बॉयल एग हैं, इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और इनको मैश कर लेने के बाद इसके अंदर हम एक और मज़ीद यानी सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको आपके टेस्ट के मुताबिक सही लगे। मैंने यहाँ पे 1 पिंच जो है नमक ऐड किया है, और साथ में हम अब इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़ की ऐड कर देंगे। आप किसी भी ब्रांड की मायोनीज़ ले सकते हैं, कोई स्पेशल ब्रांड इसके लिए नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो कि है मायोनीज़ का ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सब्ज़ मिर्च को और मायोनीज़ और नमक को, और फिर साथ ही हम इसके अंदर, अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स का 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स का इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इनको मिक्स करके एक साइड पर कर देंगे। और साथ ही हमारे पास जो बॉयल पोटैटो जो पड़े थे, जिसके अंदर हमने अपना जो एक मटेरियल आउटर साइड जो तैयार की है अपने क्रोनट्स की, वो लेंगे और उसके अंदर इसको फिल करेंगे। इसको किस तरह से उसके अंदर फिल करेंगे आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ ले लिए हैं, अब इनको मैं पोटैटो को लेके हथेली के साइज़ के जितना इनकी एक लेयर अपने हथेली पर फैला लूँगी। ये देखिए ऑयल की मदद से मैंने इनको हथेली पर फैला लिया है। अच्छी तरह से इसको हथेली पे फैला लेने के बाद इसको हम फिर इसके अंदर हमारे पास ये जो एग पड़े हुए हैं, जो हमने एग की फिलिंग बनाई है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको इसके साथ एग को इसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में करेंगे, और उसके बाद इसको हम कर देंगे रोल। अच्छी तरह से रोल करेंगे, और रोल करके तो फिर हम इसी तरह अपने जो बाकी क्रोनट्स हैं उनको बना लेंगे। अगर आप डाइट पे हैं और आप डीप फ्राई या ऑयल की परहेज़ करती हैं, तो ये आप इस तरह भी इनको कर सकते हैं कि बिल्कुल तवे पे हल्के से ऑयल की ब्रशिंग करें, और उसके ऊपर हल्की आग पर आपने क्रोनट्स जो हैं इनको आप फ्राई करके खा सकते हैं। इस पूरे के अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के ऐड किए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मायोनीज़ जो है वो हमारे एक पोर्शन में ही नहीं आएगी। हम 3 से 4 क्रोनट्स तवे पर बिल्कुल हल्की आग पर करके लेस ऑयल में खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग जो है उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, और साथ में जो ब्रेड क्रम्स हैं वो रख लिए हैं। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, हम सबसे पहले जो क्रोनट्स हैं जो हमने तैयार कर लिए हैं इनको एग में डिप करेंगे, और फिर हम इसको अपने ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से डिप करेंगे। ब्रेड क्रम में डिप कर लेने के बाद कोशिश किया कीजिए कि जो ब्रेड क्रम से जब आप निकालें तो उसको हाथ से ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर दें अपने, ताकि ब्रेड क्रम जो है वो अच्छी तरह से हमारी उसकी कोटिंग हो जाए और ऑयल में जाके वो सेपरेट ना हो, हमारी किसी भी जो भी हमने नगेट्स या कुछ भी हम बना रहे हैं उससे अलग ना हो। ये देखिए यहाँ पे अब मैं एक ही अपना क्रोनट्स उठाऊँगी, और इसको उठा के मैं अच्छी तरह से हाथ के साथ उसको
उसके जो ब्रेड क्रम है उसको अच्छी तरह से प्रेस करके उसकी शेप भी एक दफ़ा दोबारा से मैं ठीक करूँगी और साथ में फिर उसके अंदर डालूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो ऑयल है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि उसमें फिर ब्रेड क्रम्स नहीं गिरेंगे और ऑयल भी हमारा ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको बहुत ज़ोर से नहीं, बिल्कुल नरम नरम हाथों से इसको इसके साथ प्रेस कर लेना है। और प्रेस कर लेने के बाद अब ये देखिए बिल्कुल भी ये नहीं इसके साथ सुतरेगा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरह हम जो बाकी क्रोनट्स हैं उनको अपने ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लेंगे और इनको हल्का गोल्डन ब्राउन, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन जब कलर इनका आ जाएगा तो फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। बहुत जल्दी से ये कुक हो जाएंगे, हल्की आग पे कुक कीजिएगा। और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हमने पहले भी आपको घर में बनाने सिखा दिए हैं, आप चाहें तो हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। हमारे ब्रेड, ये चिकन आलू जो हैं, पोटैटो क्रोनट्स, वो रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे जो पोटैटो क्रोनट्स हैं वो रेडी हैं और बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। जो बच्चियाँ सीख रही हैं कुकिंग करना, उनके लिए बिल्कुल एक न्यू, एक नई सी डिश है, वो ज़रूर बना के अपने दोस्तों को खिलाएं। जब उनकी टी पार्टी करें उनकी फ्रेंड्स बहुत खुश होंगी। और खाने में भी ये बहुत मज़े के थे जब इसके जब हम इसको खा रहे थे, और इसके अंदर से जब एग और मायोनीज का मिक्सर जब मुँह में आता है वो बहुत यम्मी और मुँह में बहुत घुलता घुलता सा मिक्सर था और बहुत मज़े का था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और अगर आप डाइट में हैं और अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और उसके लिए आपको रेसिपीज़ या डाइट प्लान चाहिए, तो उसके लिए हमारा चैनल विज़िट कीजिएगा, आपको डाइट प्लान भी मिल जाएंगे। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग।